चलो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मैं एक चीज ऐड ऑन कर लेता हूँ कि जो किचन हमने बनाया हुआ ना, आपको ये पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ऐसा है कि हमारा इन्वर्टर पूरे खाने में यूज हो रहा है, किचन में आप जाके देख भी सकते हैं। जी जी। और हमारी जो आइस है वो ठीक इस्लामाबाद से आती है। इस्लामाबाद हमारी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। होप यू गाइस डूइंग वेल। हसन जान, हम लोग किधर मौजूद हैं? यार हम आए हुए एशियन वोक बाय मोनाल, और एक दफा पहले भी तुम ये कवर कर चुके हो। बिल्कुल, मैं रमजान में आया था। इतनी दबादब डिमांड थी कि दोबारा कवर करें, इनका बफेट दिखाएं या इनका जो रेगुलर जो फूड है वो दिखाएं। बताओ आगे क्या है। तो भाई जान, रमजान में मैं आया था और इसने तबाही मचा दी थी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैंने पेशावर के ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट मैंने ट्राई किए थे, उनकी बूफेज मैंने ट्राई की थी रमजान में, पर जो सबसे ज्यादा मजा मुझे आया था वो इधर ही आया था, एशियन वॉक बाय मोनाल में। और आज हम दोबारा आए हैं रमजान के बाद, तो ट्राई करेंगे यहाँ का फूड और देखेंगे कि रमजान के अलावा यहाँ का टेस्ट कैसा है। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड एंजॉय द ब्लॉग। के सो आज हमारे पास मौजूद है हमारा अब्दुल रऊफ भाई। अब्दुल रऊफ, काफी टाइम से तुम बिल्कुल गायब हो, किधर थे? और यहाँ पर हमारे साथ बिलाल जान है। बिलाल, इट्स नॉट बिलाल, इट्स बिलाल। क्या नाम है? बिलाल। और ये हमारे साथ हसन है। हमें एक अपना एक पर्सनल स्पेस मिला है जो कि माशाल्लाह काफी जबरदस्त है। लाइटनिंग सिस्टम को आप देखें, और बाहर हॉल है, उसमें फैमिली वगैरह बैठी हुई है। ये चेक करो यार, चाइनीज की बिल्कुल जो एंटीक क्रॉकरी होती है वो रखी हुई है। नहीं, चुराने की बात नहीं कर रही। चुराने की बात, पता भी नहीं चलेगा यार। नहीं 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 नहीं, ये काम नहीं करते ना हम। खैर, खाना चुरा लेंगे, ठीक है, इसको नहीं चुराते। चेक दिस आउट, माशाल्लाह। ये देखो चाइनीज टी पॉट आ गया। चाय पियो ना घर में, बड़ा मजा कर। हमारे पास मौजूद है हमारा रिजवान भाई जो कि यहाँ का मैनेजर है, और माशाल्लाह क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है इनकी। रिजवान भाई, हमें किचन देखना है, मोनाल का किचन देखना चाह रहे हैं जी। इजाजत है? चलो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मैं एक चीज ऐड ऑन कर लेता हूँ कि जो किचन हमने बनाया हुआ ना, आपको ये पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। नहीं, हमारा स्टैंडर्ड ऐसा है कि हमारा इन्वर्टर पूरे खाने में यूज हो रहा है, किचन में आप जाके देख भी सकते हैं। जी जी। और हमारी जो आइस है वो ठीक इस्लामाबाद से आती है। इस्लामाबाद, हमारे सारे प्रोडक्ट इस्लामाबाद से आ रही है, तो आप खुद चलें देख सकते हैं जैसे आप चाहें। हम वैसे अलाउ तो नहीं करते किसी को, लेकिन आपने रिक्वेस्ट कर दी है। जी जी। चलो मैं लेके चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो थैंक यू। जैसे कि आप लोगों ने सुना कि रिजवान भाई बता रहे कि हमारा हाइजीन लेवल और किचन ऐसा है कि बिल्कुल पाकिस्तान में कहीं और मौजूद ही नहीं है। सो चले हम आपको दिखाते हैं एशियन वॉक बाय मोनाल का किचन, लेट्स गो। सो हम अभी आप लोगों को किचन का विजिट कराते हैं। यहाँ पर सैनिटाइजर पड़ा हुआ है बिल्कुल स्टार्ट में, और ये हसन भाई ने टोपी पहन ली है। टोपी पहना दी गई है, और टोपी ये वाली टोपी, कोई और टोपी नहीं, गंदे बच्चों। दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तैमूर ने भी टोपी पहन ली है, पाल अंदर करो। सर हम आपको किचन दिखाते हैं। खाना सारे मिनरल वाटर में बनते हैं। खाना भी मिनरल वाटर में बनता है यार, ऐसा हाइजीनिक खाना, फैंसी खाना है, ऐसा हाइजीनिक खाना खुदा की कसम पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से मुझे हजम नहीं होगा इतना हाइजीनिक खाना। आदत नहीं है यार, आदत नहीं है। तो वो ढाबों की और वो गंदे होता है यार, वैसी फीलिंग आ रही है ऐसा ना, हमें जो हम किचन मास्टर शेफ वगैरह में देखते थे वही किचन है। एग्जाम चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। साथ साथ ही सफाई भी चल रही है, ऑटोमेटिक मशीन है आई गेस सो, और कुकिंग भी काफ़ी हाइजीन तरीके से हो रही है। आगे आइए आप, हम आगे देखते हैं हमारे शेफ्स को। यहाँ पर देखिए काफ़ी एक्सपर्ट है माशाल्लाह, यहाँ पर फ्राइड राइस बन रहे हैं, परफेक्ट। कच्चा है ये, देखें आप बिल्कुल फ्रेश बन रहा है। अच्छा, यहाँ से फिर होकर वहाँ पर बनता है, वहाँ पे ग्रामिंग होती है। ओके, ग्रामिंग के बाद। अच्छा, मतलब बगैर वेट किए ये पकता? हाँ, नहीं है, सबको बराबर देते हैं। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। ओके जी, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सब कुछ फ्रेश बन रहा है,
यहाँ से पैरोकर जाते हैं वहाँ पर, उसकी वेटिंग होती है, वजन होता है और उसके बाद ये फिर पकता है। ये आपका स्पेशल नूडल है ये वाला। ओके ये आपका बीफ चिली ड्राई है। जबरदस्त। ये आपका चिकन शेजवान है। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं मतलब मुझे अगर पानी ठंडा चाहिए तो मेरा मेरे पानी के लिए जो आइस होगी वो इस्लामाबाद से आएगी। जी जी परफेक्ट। तो ये मतलब यहाँ पर सेटिंग नहीं है, इस्लामाबाद से आती है वो आइस हमारी जो हमें चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखिए हमारा सूप आ गया है और इसको स्टैंड पर रखा हुआ है, नीचे से वो वार्म हो रहा है। छे कह रहा है का स्पेशल सूप और आई गेस इसमें प्रॉन्स भी ऐड होंगे। इसमें प्रॉन्स ऐड है भाई जान? परफेक्ट माशाल्लाह तबारकअल्लाह। यहाँ की क्रोकरी मुझे बहुत पसंद आई। देखो ना ये बिल्कुल मिट्टी के बर्तन जैसे चाइनीज होती है ना। एग्जैक्टली चाइनीज बिल्कुल बिल्कुल। वो जो मैं अक्सर मूवीज देखता हूँ ना वो ड्रैगन वगैरह जो होते हैं चाइनीज वाले, उसमें सेम एग्जैक्ट यही क्रोकरी होती है। हसन क्या कहते हो, जेब में डाले? यार नियत खराब हो रही है। डाल दो डाल दो ना करो बाहर निकाल दो, कैमरे लगे हुए हैं। ये भाईजान, ये भाईजान हमें सूप सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ओके सो ये कलर है ना, हाँ यार वो किल कर रहा है। क्या क्या किल कर रहे हैं तुम्हें? किल मार डाल रहे तुम्हें, मार डाला। कॉपीराइट आ जाएगा यार, इतनी आवाज पे आ रही है तुम्हारी। थैंक यू सो मच यार, इतनी इज्जत ना, इतनी इज्जत शायद ससुराल में मिल जाए, घर में नहीं मिली। यार मन बहुत दुखी हुआ था ये सुनकर। यकीन करो इतना मतलब बीवी की तरह इन्होंने मुझे डाला है, काश मेरी बीवी होते। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अभी हम चेक करेंगे यहाँ का स्पेशल सूप और प्रॉन्स है इसमें, जिसकी सुगंध काफ़ी मुझे अट्रैक्ट कर रही है। प्रॉन्स मेरा फेवरेट है असल में। सो लेट्स ट्राई इट। बिस्मिल्लाह व बरकतुल्लाह। कैसा टेस्ट है? और ये मैं बता दूँ जरा, ये एपिटाइजर है, ये एपिटाइजर है, हाथ में रखना, अभी खाना आने वाला है, मेन जो कोर्स है ना वो आएगा। यार इसकी सुगंध स्मेल करके मेरा पेट भर, ये पेट यार जैसे ही भर रहा है, इसको समझाओ। नहीं वो मैं सर वीडियो के लिए बता रहा हूँ, मेरे भाई इतनी जल्दी नहीं बढ़ती मेरी पेट। हेयर और फूड कम्स और ये हमारा खाना आ गया। हसन वीडियो पे फोकस करो। गुजारा करो। ये कॉन्सेप्ट मुझे सबसे अच्छा लगा हसन, ये स्टैंड्स वाला। नीचे कैंडल्स रखे हुए ताकि वो बिल्कुल ठंडा ना पड़े। ये एंटीक है, बताओ आपको एंटीक है बिल्कुल, क्लासिकल जो मतलब पहले जमानों में ऐसे ही होता था। एग्जैक्टली वो जल्दी ठंडा नहीं होता। बाकी बिल्कुल बिल्कुल इसी के लिए बिलाल से रابطہ करें। बिलाल सर हमारा टेबल बन चुका है और खाना तकरीबन रेडी है। हसन इतनी इज्जत घर में मिलती है? यार सच में आप खराब कर रहे हैं हमें, हम किसी भी बोलूंगा इतनी इज्जत दो, मुझे आगे तो मारना है। जबरदस्त। सो लेमनेड और मिंट मार्गरीटे जो है वो यहाँ का कम्प्लीमेंट्री है और जितना आप चाहे वो आप पी सकते हैं। स्पेशलिटीज हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे, क्या नाम है असल इसका? ब्लॉसम रोज फिश। ब्लॉसम रोज फिश काफी फैंसी सा नाम है। लेट्स टेस्ट इट। बिस्मिल्लाह वाला बरकत। मुझे खिला दो। नहीं देना वाला बरकत। काफ़ी ज़बरदस्त फ्लेवर है, बिल्कुल माइल्ड सा है, न ज़्यादा तेज़ है, न ज़्यादा ऑयली है, न ज़्यादा ड्राई है, परफेक्ट। ये चेक करें यार, ये चेक करें, काफ़ी मज़े का लग रहा है। तो
अच्छा क्या रेटिंग दोगे ओवरऑल फूड को? बहुत ही ज़बरदस्त है, टेस्ट का काफ़ी मज़ा मुझे आया। एम्बियंस को छोड़कर सिर्फ फूड को मैं 10 out of 10 नंबर दूंगा। एम्बियंस को भी मैंने 10 out of 10 दे दिए हैं। पर यार टेस्ट, अगर आपको चाइनीज और ताई फूड पसंद है सो इट्स परफेक्ट टेस्ट फॉर यू। ना ज़्यादा तेज है ना ज़्यादा स्पाइसी है, बिल्कुल पेशावर की तरह, पेशावर के टेस्ट के लिहाज से इन्होंने चाइनीज़ और थाई फूड बनाया हुआ है, बिल्कुल माइल्ड सा है, सो परफेक्ट वाला। सो हसन, लेट्स एंजॉय द फूड। लोग अभी थोड़ा छोड़ते हैं, हम अपना फूड खाते हैं और आपसे मिलते हैं। मेन्यू में मुझे जो आज हमें सर्व हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये फिश पसंद आया। हसन नाम क्या था इसका? लासम रोज फिश। सद्दाम भाई काफ़ी मज़े का है इनकी सर्विस। सद्दाम भाई यार मानोगे उसको? 120 में से 10 जबरदस्त जबरदस्त 10 में से 120 काफ़ी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो ही डिजर्व अ मैनेजर पोस्ट, यकीन करें। हाँ, बिल्कुल तरक्की दे। वो खाला ने दुआ की थी। हाँ अल्लाह ताला दे बचा कर। आमीन। पेट साफ किए माशाल्लाह, ऐसा होना चाहिए हर इंसान को। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह क्या साफ किया था, दिखाओ। साफ करो बिलाल। ओके रिजवान भाई, डेजर्ट्स में हमें ब्रेड एंड बटर पुडिंग, ठीक है, और सिजलिंग ब्रोनी विद आइसक्रीम, ठीक है। रिजवान भाई आप इतने कॉपरेटिव क्यों हैं? इसीलिए मतलब कस्टमर से हमने आपकी हमेशा तारीफ ही सुनी है। ये हमारा डेजर्ट आ गया है, ब्राउनी विद हॉट चॉकलेट और साथ में उसके ऊपर आइसक्रीम और नट्स है। ये देखिए कितना जबरदस्त सिजल कर रहा है। और उमर ये देखकर आपकी नियत को क्या हो रहा है? मेरी नियत ऐसी खराब होती जब मैं ब्राउनी को देखता। ब्रेड एंड बटर पुडिंग माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और डिजर्ट के साथ हमारी मोस्ट फेवरेट ग्रीन टी, ब्रेड पुडिंग विद आइसक्रीम, और इसको भी हम ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह यार, देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है ये। चेक करें यार, पुडिंग बेहतरीन बाइट बनाई है यार। ओए होए To be honest, टेस्ट आला है, बहुत ही जबरदस्त है। ये वाला डेजर्ट पुडिंग विद आइसक्रीम, पुडिंग विद आइसक्रीम बहुत पसंद आई है मुझे। और ये पुडिंग विद आइसक्रीम जो है उसके साथ आइसक्रीम नहीं था बट पुडिंग थी, ये मैंने मुल्तान में ट्राई किया है। सर एशियन वॉक बाय मोनाल का रेटिंग दो, फूड कैसा लगा तुम्हें? यार फूड 10/10 था, ये बंदा इसको मैं घर लेके जा रहा हूँ। फूड भी बेहतरीन था और सब कुछ परफेक्ट है, 10/10 पॉइंट भी नहीं काटा जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, काफी है खलास। हमारे बिलाल को देखिए यार, इसकी चीज का क्या नाम था? पुडिंग विद आइसक्रीम यार, ये बहुत ही मजा है, कमाल का है ना। तो हमारा एशियन वॉक बाय मोनाल का फूड रिव्यू, उम्मीद है आप लोगों को मजा आया होगा, हमें तो यकीनन मजा आया है। और इंशाल्लाह जब आप विजिट करेंगे तो भाई दुआएं दोगे आप लोग हमें। टेस्ट काफी जबरदस्त है, अगर आप चाइनीज और थाई फूड के शौकीन हैं सो दिस प्लेस इज हेवन फॉर यू। और यहाँ के खासकर यहाँ के डेजर्ट्स, इट्स सो क्लासिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।